सबसे फिसड्डी निकले हैं। ध्यान ये दीजिएगा, खुद को सुरक्षित बताने वाले फिसड्डी निकले हैं। परिवहन विभाग खुद को बताते थे सुरक्षित, लेकिन ये फिसड्डी निकले हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में रोज लाखों का खेल हो रहा है। अब खेल क्या है? दरअसल खेल हो रहा है तो बहुत स्वाभाविक है, ये पैसा यूपी सरकार के पास नहीं जाता होगा, यूपी रोडवेज के पास नहीं जाता होगा, ये पैसा शातिर बदमाशों के पास जा रहा है। हर रोज टिकट बुकिंग के जरिए चूना लगाया जा रहा है। और भारत समाचार ने ये खोज निकाला है कि टिकट बुकिंग में 5 से 10 लाख रुपए का चूना लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग खुद को फायदे में बता रहा है, लेकिन 5 से 10 लाख रोज कोई है जो चूना लगा रहा है? विभाग अपने आप को करोड़ों के फायदे में दिखा रहा है। भारत समाचार की टीम ने यह बड़ा खुलासा किया है और नाक के नीचे से धड़ल्ले से टिकट बुकिंग हो रही है। भारत समाचार की टीम ने भी फ्री में बस में यात्रा की, अपनी पड़ताल में फ्री में बस में यात्रा की, फ्री में ऑनलाइन बुक कराया आधा दर्जन टिकट। ये बड़ा खुलासा है, परिवहन विभाग में बड़ा घालमेल सामने आया है। खुद को सुरक्षित बताने वाले सबसे बड़े फिसड्डी निकले हैं। परिवहन विभाग खुद को सुरक्षित बताता था और यह कहता था कि वो करोड़ों के फायदे में है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्हें रोज 5 से 10 लाख रुपए का चूना लग रहा है। और भारत समाचार ने अपनी पड़ताल में फ्री में बस की यात्रा की, फ्री में ऑनलाइन टिकट बुक कराया और आधा दर्जन भारत समाचार ने टिकट बुक कराया। नाक के नीचे से धड़ल्ले से टिकट बुकिंग हो रही है और इन्हें पता ही नहीं इस बात की। विभाग अपने आप को फायदे में दिखा रहा है, वो ये कहते हुए अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, या वो चाह रहा है कि लोग उसकी प्रशंसा करें कि करोड़ों के फायदे में है परिवहन विभाग। लेकिन हकीकत ये है कि 5 से 10 लाख रुपए का रोज नुकसान हो रहा है। और इसके पीछे हमारे पास पुख्ता सबूत है। आपको बता दें कि भारत समाचार की टीम ने इसी कड़ी में फ्री में बस यात्रा की, अपनी पड़ताल में ऑनलाइन टिकट बुक कराई, आधा दर्जन टिकट बुक कराई, वो भी फ्री में, एक पैसा नहीं लगा। और इसी तरीके से इन्हें रोजाना 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बड़ी खबर है ये। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में हर रोज लाखों का खेल हो रहा है। हर रोज टिकट बुकिंग के जरिए ये परिवहन विभाग को चूना लगाया जा रहा है। टिकट बुकिंग में 5 से 10 लाख रुपए का चूना लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग खुद को फायदे में बता रहा है, लेकिन सही मायने में वो फायदे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि घाटे में है परिवहन विभाग। विभाग अपने को करोड़ों के फायदे में जरूर दिखा रहा है, लेकिन भारत समाचार की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। नाक के नीचे से धड़ल्ले से टिकट बुकिंग हो रही है। भारत समाचार की टीम ने फ्री में बस में यात्रा की, अपनी पड़ताल में फ्री में बस में यात्रा की, फ्री में ऑनलाइन आधा दर्जन टिकट भी बुक कराई। भारत समाचार हमेशा से सरोकारों की पत्रकारिता करता है, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम आपके सामने ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। आपको पता चलेगा कि कैसे किस तरह जनता की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है और परिवहन विभाग को रोज 5 से 10 लाख रुपए का चूना लगाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की इस मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पूरी हकीकत। जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका, हर रोज लग रहा लाखों का चूना। डिजिटल इंडिया के कदम में एक बड़ी सेंध मारी।
बिना हैकिंग फ्री में करिए यात्रा। UPSRTC जिसके लिए हमेशा से ये बात कही गई कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार आई तब ये बात कही गई कि तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएंगी। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में टिकट्स को भी ऑनलाइन किया गया ताकि बेहतर व्यवस्था की जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन आपको UPSRTC की इसी चीज़ों की हकीकत हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे जिसमें एक बड़ा घोटाला बड़ा बंदरबांट किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि हर रोज़ UPSRTC को 5 से 10 लाख रुपए की चपत लगाई जा रही है। इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है हमारी ये पूरी रिपोर्ट जिसमें एक सफ़र के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बंदरबांट किस तरह से ये बड़ा घोटाला हो रहा है जहां लगातार ये बातें की जा रही थी कि हम सुपर कॉप हैं ऑनलाइन की चीज़ों में हम सुपर कॉप हैं और तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यही भ्रष्टाचार उजागर किया है भारत समाचार ने जिसमें ऑनलाइन लगातार घोटाला किया जा रहा है और 5 से 10 लाख रुपये हर रोज़ काटे जा रहे हैं सरकार के बैलेंस से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन UPSRTC की, जहाँ पर रोज 5 से 10 लाख रुपए की यात्रा का लाभ लिया जा रहा है। इसके लिए परिवहन किसी स्कीम को या फिर कोई ऑफर नहीं चला रहा, बल्कि कुछ शातिर दिमाग लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे विभाग पूरी तरह से अनजान है। जानकारी हो भी तो कैसे, क्योंकि विभाग में बैठे सुपर कॉप सिर्फ चीजों को डिजिटल कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा मान रहे हैं और विभाग को फायदे में पहुंचाने का दावा करने वालों को ही नहीं मालूम कि विभाग हर महीने करोड़ों के घाटे में चल रहा है। देश के अंदर यही परिवहन विभाग है जहाँ परिवहन प्रॉफिट में चल रहा है, नहीं तो वेतन बांटने की लाले हो जाते हैं। बाकी जगह तो परिवहन बिक गया है, ये भी जब तक चल रहा है कर्मचारी और श्रमिक के परिश्रम के कारण ये विभाग चल रहा है। इसकी परमानेंट ऑनलाइन मॉनिटरिंग और इसकी पूरी तैयारी होती है, इसमें एक रुपये बेमानी नहीं हो सकता। इस फ्री टिकटिंग को हर वो व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जानकार है और जो इसमें महारत रखते हैं उनके लिए ये फ्री बुकिंग बाएं हाथ का खेल है। बस करना क्या है, कोडिंग को डीकोडिंग और हो गया परिवहन पेमेंट और आपकी यात्रा बिना पैसे दिए ही शुरू हो गई। इस घोटाले को तमाम चीज़ों के जरिए हमने परखने की कोशिश की और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। इस ऑपरेशन के जरिए हमने बाकायदा एक रेट लिस्ट निकाली कि कहाँ का सफ़र कितने में होता है, कौन सी बस कहाँ और किस तरह से चलती है। इन सारी चीज़ों के लिए बाकायदा हमने ऑनलाइन बुकिंग की। यह वही ऑनलाइन बुकिंग की रिसिट है जो हमारे पास आई है जिसमें हम लखनऊ से कानपुर का सफ़र करेंगे और वो भी एक छोटी मोटी बस नहीं बल्कि पूरी एयर कंडीशन बस से, जिसके लिए हमें 15 और 16 नंबर की सीट मिली है जिस पर हम इससे सफर करेंगे। और जब इसमें पेमेंट मोड आता है तो पेमेंट मोड में बगैर पैसा दिए, गौर करने वाली बात है कि बगैर पैसा दिए हमने टिकट बुक कराया और टिकट बुक कराने के बाद अब हम सफर पर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है हमारी UPSRTC की हकीकत, किस तरह से वो अपने आप को सुपर कॉप का दावा करने वाले किस तरह से फिसड्डी साबित होते हैं उन लोगों के आगे जो हर रोज उत्तर प्रदेश परिवहन को 10 से 5 लाख रुपए का चूना लगा रहे हैं। इस काम को करने वाले कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनको महारत ऐसी हासिल है जिसके दम पर उन्होंने परिवहन विभाग में बैठे सुपर कॉप को हिला देने वाला काम किया है। यही नहीं, उन्होंने इस काम को महज इसलिए किया ताकि विभाग की आंखों को खोला जा सके और अपनी ऑनलाइन साइट्स को बेहतर करते हुए सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया जाए ताकि जनता और सरकार की मदद की जा सके। देखिए, आपको आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट, कई सरकारी और गैर सरकारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनमें प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के लोग वेब को बना सकते हैं उसको। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि सरकार को एक चीज़ या डिपार्टमेंट को एक चीज़ बताना कि इस तरीके से कितने नुकसान हो रहे हैं और आप लोग जो सुपर कॉक बता रहे हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं कहीं से भी आप तक साबित नहीं हो पा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सिस्टम यूज किए जा रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से किए जा रहे हैं कि हमें नहीं लगता वो कहीं से भी इतना सेपरेट है। और डिजिटल इंडिया में अगर इस तरीके की वेबसाइट और इस तरीके से अगर ये चीज़ें बनेंगी तो आने वाले दिनों में सपना साकार होते मोदी जी का मुझे नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जो होता है ना, जो भी डाटा आप भेजते हो तो सारा चीज़ इनकोडेड होता है, मतलब वो आप उसका जो भी है डाटा सिक्योर होता है, सिक्योर वे में ट्रांसफ़र होता है, बैंक से जो भी हमारे साइट पे आता है सिक्योर होता है।
तो उसको ब्रेक होने के लिए या तो आप उसको प्रॉपर वे में इनकोडेड नहीं किया हुआ है जो आराम से डिकोड हो जा रहा है, और डिकोड होने के बाद वो कोड जनरेट होकर आप आराम से पेमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है वो उनको आराम से मिल जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उस जो प्रॉपर जहाँ पे भी प्राइवेसी लगी हुई है उसको सिक्योर करना होगा। प्रदेश और देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो हर रोज ऑनलाइन टिकट बुक कराकर सफर करते हैं, जिसके लिए वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लिए किसी भी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते और टिकट उनकी स्क्रीन का दिखाई देता है। मैंने UPSRTC से बुक कराया है और ऑनलाइन। और किस तरह से मोड ऑफ पेमेंट किया था आपका? मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड बाय ई ट्रांजैक्शन। तो उसमें पैसा आपका डिडक्ट हुआ होगा? हाँ, लखनऊ टू दिल्ली। ऑनलाइन टिकट बुक कराया? हाँ जी। कौन सी साइट पे जाके? UPSRTC मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है। मोड ऑफ पेमेंट क्या था? मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग। और कौन सा कार्ड आपने इस्तेमाल किया? नेट बैंकिंग, HDFC का नेट बैंकिंग। कहाँ से कहाँ तक का सफर कर रहे हैं? लखनऊ से दिल्ली। लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, किस तरह से पेमेंट कराया है आपने? ये पेटीएम से बेटे ने किया है। जिस तरह से आज आप यहाँ पर सफर कर रहे हो, क्या इससे पहले भी आपने सफर किया है ऑनलाइन टिकट बुक करके? नहीं, हमने नहीं किया। हमने आपसे इस बात का वादा किया था कि हम बाकायदा एक सफर के जरिए इस पूरे सफर की हकीकत आपको दिखाएंगे, और उन्हीं सारी चीजों के बीच में जिस तरह से हमने आपको अपना PNR नंबर, अपना टिकट नंबर यानी कि ई टिकट नंबर आपको दिखाया, उसके बाद हमारे पास ये जो लिस्ट है वो आई है, जिसमें बाकायदा हमारा और हमारे सहयोगी गौरव का नाम मेंशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टिक लगे हुए हैं, जिसमें अभिषेक मिश्रा एक ये नाम और साथ में हमारे सहयोगी गौरव वर्मा उनका नाम यहाँ पर अंकित है। यानी कि इस सफर के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह का घालमेल और किस तरह का घोटाला इस पूरी सारी चीज़ों में हो रहा है। हम लगातार अपने आप को सुपर कॉप जरूर कहते हैं, लेकिन सुपर कॉप कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की घटना घटित होती है तो हर रोज 5 से 10 लाख रुपए का चूना लगाया जाता है। न केवल दो टिकट बल्कि दर्जनों टिकट आप इस गाड़ी में बुक करा सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बस चाहिए थोड़ा सा दिमाग। और विभाग के कुछ निरंकुश हो चुके लोग, जिनका खुद को स्वयंभू मान लेना परिवहन को फायदे की जगह घाटे में डाल रहा है, जिसके लिए शातिर दिमाग साइट और ट्रांजैक्शन के समय पेमेंट कोड को डीकोड कर देते हैं, जिसका फलसफा ये होता है कि साइट से आपका टिकट बुकिंग का कंफर्मेशन PNR के रूप में आ जाता है, और तो और पेमेंट बीच से ही गायब हो जाता है, जिससे परिवहन को पता चलता है कि पेमेंट रिसीव हो गया है पर सही मायने में पेमेंट हुआ ही नहीं। इसका कंफर्मेशन इससे भी होता है कि जब आप यात्रा करने जा रहे होते हैं तो लिस्ट में आपका नाम भी दर्ज होता है। हमारी जो सीट बुक है वो 15-16 बुक है कि उसमें चार्ट में क्या नंबर आया है? 15-16 है। अभिषेक मिश्रा ना? हाँ। और 2 नंबर है? हाँ। 16 नंबर है। और बताओ। 15-16 ही है ना? जी। जैसे चार्ट का नाम है और मोबाइल का PNR नंबर हमको सिर्फ पता है बस। नहीं तो वो PNR नंबर मोबाइल में होना चाहिए और हमारे चार्ट में भी होना चाहिए। मेन चार्ट है? हाँ। चार्ट में नाम है तो मतलब सही है? सही है। चार्ट से मेन मिलान है कि चार्ट में का नाम आ गया तो ठीक है, क्योंकि वो बेबिल, वो मात्र मेन बेबिल बन जाता है ना, वो जमा होता है। बेबिल क्या? वो चार्ट जो है। अच्छा। जमा होता है। अच्छा, ये चार्ट जमा करना पड़ेगा तभी इनका कैश जमा होगा। उसी चार्ट के हिसाब से कैश मिलान होगा कि कितने शीट बनी है और कितने कैश है ऑनलाइन और कितने तुम बनाए हो। अगर वो नहीं रहेगा तो जब तक वो निकालेंगे नहीं तब तक जमा नहीं होगा पैसे। इस बाबत जब जानकारी आला अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने पहले तो अपनी बड़ाई करना शुरू किया, और जब हमने हकीकत से रूबरू कराया तो वो सन्न रह गए और मामले की जांच की बात कहते हुए हम ही से मदद की गुहार करने लगे। ये पूरी तरफ से सेफ है, हम लोग की मॉनिटरिंग के सिस्टम्स है यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड हमारी पूरा डाटाबेस यहाँ पे रहता है कि हर ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमारे यहाँ रिकॉर्ड होता है। सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन की है, उसके आधार पर तमाम फ्री में टिकट बुक हो रहे हैं और परिवहन के से बाकायदा PNR नंबर भी जनरेट होता है सारी चीज़। एक रिफंड वाले इशू पे जो है कि एक प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में है, जिसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, उस पर जो है हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। बाकी अभी आप संज्ञान में ला रहे हैं तो उनको भी हम लोग चेक कर लेंगे। हमारी पड़ताल में यहाँ तक सब कुछ साफ हो चुका था कि किस तरह से थके हुए सिस्टम से UPSRTC संचालित हो रहा है, जो इस समय शासन और प्रशासन नहीं बल्कि प्राइवेट सुपर कॉप से संचालित हो रहा है। यहाँ की बसों में सफर के लिए पैसों की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है, जिसको हमने अपनी पड़ताल में स्पष्ट कर दिया है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी साफ हो गया कि किस तरह से खुद को बेहतर बताने की होड़ विभाग को आज कितना पीछे धकेल चुकी है।
जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक सफ़र के ज़रिए आपको इस पूरे टूर की हकीकत बताएंगे कि किस तरह से बाकायदा एक बड़ा घोटाला परिवहन विभाग में चल रहा है और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। बाकायदा यहाँ पर टिकट बनाए जाते हैं, टिकट बनाने के साथ साथ यहाँ पर तमाम लोग जो अपने आप को सुपर कॉप होने का दावा करते हैं वो कुछ इसी तरह से सफ़र करते हैं और सफ़र करने के बाद लंबा बंदरमाट होता है। कुल मिलाकर इस बात को कहा जा सकता है कि 10 से 5 लाख रुपए का घोटाला हर रोज़ हो रहा है और परिवहन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं। जिस तरह से हमने ये पूरा सफ़र किया, इस सफ़र के ज़रिए हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने टिकट बुक कराया, टिकट सही बुक कराया, हमारा नाम चार्ट में आया, लेकिन उसके लिए हमने पैसा एक भी पे नहीं किया, यानी बगैर पैसे के हमने इस पूरे सफ़र को किया और इस सफ़र के ज़रिए हमने आपको इस तमाम चीज़ों से रूबरू कराया कि किस तरह से पैसे की बंदरबांट होती है, किस तरह से सारी चीज़ें की जाती हैं और आखिरकार कैसे जनता की गाड़ी कमाई सरकार की कमाई पर लोग हाथ साफ कर देते हैं और हर रोज़ 5 से 10 लाख रुपए का घोटाला एक बड़ा घोटाला होता है और ये आला अधिकारी, ये मंत्री इन सारी चीज़ों को नहीं समझते कि किस तरह से घोटाला करके लोग गाढ़ी कमाई पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर रोडवेज बसों की स्थिति देखेंगे तो बद से बदतर है। जो साधारण रोडवेज बसें हैं, रोज इन्हें 5 से 10 लाख रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, लेकिन इस बात की इन्हें खबर ही नहीं है। जब हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा लखनऊ से कानपुर का सफर तय किए, तब जाके इनकी आंखें खुली। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, अगर आप इस तरह का मामला संज्ञान में लाए हैं तो हम इसकी जांच करेंगे। इनको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे रास्ते तकरीबन भारत समाचार के संवाददाता अभिषेक ने आधा दर्जन सीटें बुक कराई थी, लेकिन इसके बदले उन्होंने एक भी पैसा पे नहीं किया था। और ये वर्षों से खेल चला आ रहा है, सालों से खेल चला आ रहा है, लेकिन रोडवेज के आला अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। और जनता की गाड़ी कमाई कोई लुटाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और रोडवेज बसें बदहाल स्थिति में हैं। अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, मैंने अभी देखा आपकी मेगा सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, उसमें देख रहा था कि आप सफर तय कर लिए, अपने कैमरामैन के साथ चले गए और इसके बदले आपने एक पैसा भी नहीं पे किया। ये कैसे हुआ और ये कब से चला आ रहा है? और मैं देख रहा था कि आप एक रोडवेज अधिकारी से कह रहे हैं तो वो अपनी सुरक्षा का दावा भी कर रहे हैं कि बिल्कुल सिक्योर है, ऐसा हो नहीं सकता, ये क्यों? देखिए राहुल, सीधी सी बात है, पहले तो इन लोगों को जो अपने आप को सुपर कॉप बताते हैं, जो अपने आप को आईटी एक्सपर्ट बताते हैं, जो अपने आप को साइबर एक्सपर्ट बताते हैं और परिवहन विभाग में बैठकर मोटी कमाई कर रहे हैं, यानी कि मोटी सैलरी पर उन लोगों को रखा गया है। जब उन्हीं लोगों को नहीं पता है कि बाकायदा इनकोडिंग और डिकोडिंग के जरिए पेमेंट किया जा सकता है और वो पेमेंट आपके पास भी नहीं पहुंचता है बल्कि बीच से ही गायब हो जाता है, यानी कि जो पे कर रहा है उसको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है और जिसके लिए भुगतान किया जा रहा है उसके पास पहुंच नहीं रहा है, और उसके बावजूद भी दावा बात का कि हम साफ प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट चल रहे हैं, वो भी कहीं और नहीं, पूरे देश में परिवहन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इस बात की जानकारी इनको नहीं थी कि ये हर रोज 5 से 10 लाख रुपए के घाटे में चल रहे हैं, यानी कि करोड़ों रुपए की चपत इनको हर महीने लगाई जा रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, इस तरह के घोटाला जिस तरह से भारत समाचार ने सभी के सामने किया है, ये आई ओपनिंग है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को परिवहन विभाग में बैठकर सुपर कॉप करने का दावा करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस तरह से यहां पर बाट हो रहा है, जिस तरह से साइट के जरिए यानी कि ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करा रहे हैं उसमें आपको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है और आप बाकायदा सफर कर रहे हैं, और इन्हीं सारी चीजों की बाकायदा तस्दीक भी हम लोगों ने की, हम लोगों ने सफर भी किया, आधा दर्जन से ज्यादा टिकट भी बुक कराए। राहुल, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल रात तक हमारे जो टिकट बुक हुए हैं वो मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए और गोरखपुर के लिए, इन सभी जगहों के लिए हमने वॉल्वो में, स्कैनिया बस में, इन तमाम जो एसी बसें हैं उनमें टिकट भी बुक कराए, हमने पैसा भी पे नहीं किया और परिवहन को पैसा पे भी हो गया। और सबसे बड़ी काबिलियत की बात आप ये देखिए कि जो लोग यहां पर 20 से पैसे को गायब कर रहे हैं वो भी अपना पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे को डिकोड कर देते हैं, क्योंकि एक इनकोडिंग होती है किसी भी चीज की, जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी एक इनकोडिंग लेता है, इनकोड को अगर आप डिकोड कर देते हैं और डिकोडिंग के जरिए आप पैसा पेमेंट कर देते हो, तो सीधी सी बात है कि परिवहन विभाग में बैठा हुआ घालमेल हो रहा है, बड़ा घोटाला हो रहा है और इस बात की इनको भनक भी नहीं है। बिल्कुल, वाकई इस बात की इनको भनक नहीं है और रोज 5 से 10
लाख रुपए का चूना लग रहा है, लेकिन इन्हें कानो कान खबर तक नहीं है। अभिषेक, जब ये मामला आपने रोडवेज के आला अधिकारियों को बताया, जिसकी बात आप कर रहे हैं जो खुद को सुपर कॉप समझते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि जिन अधिकारियों के संज्ञान में हमने मामला डाला, तो उनका कहना था कि इस तरह का एक प्रकरण हमारे पास आया था, उसकी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन यह नया मामला है जो आपने हमको बताया है, इसकी भी हम जांच करेंगे। लेकिन उन्होंने उसके तुरंत ही बाद हमसे ही मदद की गुहार करने लगे। उन्होंने कहा, आप अपना हमको PNR नंबर बताइए, आपने कहां से किस साइट से टिकट बुक कराया है वो हमको बताइए, हम उन तमाम चीजों की जांच करेंगे। अरे साहब, हमसे पूछने से पहले तमाम उन लोगों से पूछ लेते जो बाकायदा बीच में बैठकर घालमेल कर रहे हैं, जो लोग यहां पर परिवहन विभाग को एक लंबा लगा रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई पर से हाथ साफ कर रहे हैं, सरकार के फंड से पैसा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों को समझने से, सोचने से पहले, हमसे मदद मांगने से पहले अपने सिस्टम को बेहतर कर लेना चाहिए था। क्योंकि आप अपने आप को सुपर कॉप होने का दावा करते हैं, आप ये कहते हैं हम बीच बीच में रेंडमली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको देखते रहते हैं कि कहीं किसी तरह से कोई घालमेल तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनको साहब पता ही नहीं है कि पिछले 4 से 5 महीने से, यानी कि लंबे समय से बीच में घालमेल हो रहा है, और बाकायदा 5 से 10 लाख रुपए की चपत परिवहन विभाग को हर रोज लगाई जा रही है। और इन सारी चीजों से अनुभवी कि ये फिर भी अपने आप को फायदे में होने का दावा करते हैं और अपने आप को सुपर कॉप होने का दावा करते हैं। राहुल, अभिषेक, जरा ये भी बताइए कि क्या इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत है, IT एक्सपर्ट होने की जरूरत है, जो ये लोग कर रहे हैं लंबे समय से? देखिए राहुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा होना की जरूरत नहीं है, ना तो आपको BEd करने की जरूरत है, ना तो आपको BTech करने की जरूरत है, ना तो आपको MPhil करने की जरूरत है, ना तो आपको कंप्यूटर साइंस से कोई चीज करने की जरूरत है, बस कंप्यूटर की सूक्ष्म जानकारी और इस तरह का फेल्योर सिस्टम। तो भारत समाचार के खुलासे से हड़कंप मचा अभिषेक आपके पास आ रहे हैं, बात करने से बच रहे हैं UPSRTC के अधिकारी, और बात कैसे करेंगे भी, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं बड़े और आला अधिकारी, डर रहे हैं फोन रिसीव करने में, कैमरे से भी भाग रहे हैं अधिकारी, पोल खुली है तो बहुत स्वाभाविक है भागेंगे। भारत समाचार के खुलासे से हड़कंप मचा है रोडवेज अधिकारियों में, बात करने से कतरा रहे हैं, आपको सामने आना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए अपनी बात, बट ये लोग बच रहे हैं, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं बड़े और आला अधिकारी, कैमरे से भी भाग रहे हैं अधिकारी। अभिषेक, यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं, ये खबर चली ही कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि हम इस विषय पर बात नहीं करना चाहते हैं, हम बाद में बात करेंगे, ये रिएक्शन है अभी आला अधिकारियों का। देखिए, जाहिर सी बात है, यहां पर स्थिति हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आखिरकार वो जवाब देंगे किसको, आखिरकार वो बात करेंगे किससे, क्योंकि शायद उन सारी चीजों के लिए आपके पास जबान होनी चाहिए, आपके लिए फुल प्रूफ इंतजाम होना चाहिए। जब यही सारी चीजें आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास बैठा हुआ निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो बाकायदा हर रोज घोटाले होने दे रहा है और उसको इस बात की भनक भी नहीं लग रही है। सीधी सी बात है, इस तरह से तमाम लोग यात्रा करते हैं, तमाम ऐसे कंप्यूटर के जानकार हैं जो इस तरह की घटनाओं को कारित करते हैं और आसानी से सफर करते हैं, वो भी UPSRTC को चूना लगाते हुए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब इन आला अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, तो वो हम ही से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि तमाम चीजों को कोडिंग को इनकोड कर दीजिए, डिकोड कर दीजिए, और उसके बाद अपना टिकट आप आसानी से करा लीजिए, बाकायदा आपका PNR नंबर जनरेट होगा, आपका सीट नंबर जनरेट होगा, लिस्ट में बाकायदा आपका नाम होगा, और उसके बाद आप कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, यानी कि UPSRTC आपका स्वागत कर रही है कि साहब आइए, हमारे फुल प्रूफ और जो सुपर कॉप लोगों के बनाया हुआ सिस्टम है उसमें आप प्रवेश करिए, और प्रवेश करने के साथ साथ आप सुगम और सुरक्षित यात्रा करिए, ताकि हम आपको फ्री में सफर करा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा किसी और का नहीं, जनता का पैसा है, और जनता का पैसा लूटने के लिए जाना जाइए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, जनता का पैसा है और ये लूटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिषेक। तो सच में ये 5 से 10 लाख रुपए रोजाना लूटे जा रहे हैं, लेकिन रोडवेज अधिकारियों को इस बात की भनक ही नहीं है। इस तरह के खुलासा भारत समाचार पर लगातार जारी रहेंगे और भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।